हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विद्या गुरु से और आज हम देखने जा रहे हैं रीजनिंग में मैथमेटिकल इनइक्वेशन। मैथमेटिकल इनइक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे बैंकिंग के एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, उन दोनों के लिए ही ये रेलिवेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपको दिए जा रहे हैं कुछ सिम्बल्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको इस टाइप के यहाँ पर साइंस मिलेंगे। पांच अलग अलग साइंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको चार स्टेटमेंट दी जा रही है और आगे कंक्लूजन में आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि ये कंक्लूजन सही है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं चार स्टेटमेंट आ रही हैं और सबसे पहला काम यहाँ पर क्या रहेगा, इन चारों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे किया जाए सबसे पहला वो काम, और उसके बाद चेक करेंगे कि कंक्लूजन ठीक है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो हम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बी तक हम पहुँच चुके हैं, इसके बाद क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू सी कर देंगे। इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सी इज ग्रेटर देन डी। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सी इज ग्रेटर देन डी। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब ये हमारी क्या है, कंबाइंड स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। अब आगे जो भी हमें कंक्लूजन तैयार करने हैं, चेक करने हैं, वो क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को देख कर ही चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट से। कंक्लूजन फर्स्ट में आप देख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन सी। हमें क्या करना है, ए से सी तक जाना है, और क्या करना है सबसे पहला काम, इनके बीच के साइंस को काउंट करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन का साइन, और उसके साथ हमें दिखाई दे रहा है इक्वल टू का साइन। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग करके एक एक साइन को चेक करना होगा, और जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, अगर वो वाला साइन ग्रेट कंक्लूजन में आ रहा होगा हम उसको क्या कहेंगे, वही वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो स्टार्ट करके यहाँ पर देख रहे हैं ए से सी तक हमें जाना है कंक्लूजन को चेक करने के लिए। फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन आ रहा है दो बार, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है दो बार। हमने क्या किया, ग्रेटर देन के आगे लिख दिया टू टाइम्स आ रहा है, तो हमने यहाँ पर टू लिख दिया। सिमिलरली हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ रहा है एक बार, ये वाला इक्वल टू का साइन है, हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू का साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक बार। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वेटेज ज़्यादा किसकी है, इसकी है, और हमसे कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी, ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे ये वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है और कंक्लूजन में यही साइन पूछा गया है, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कंक्लूजन पर आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंक्लूजन की यहाँ पर बात करते हैं। हमें चेक करना है बी इज ग्रेटर देन ई, बी इज ग्रेटर देन ई। हमें क्या करना है, डी से ई तक जाना है। यहाँ पर हमें साइन दिखाई दे रहा है कि ग्रेटर देन का साइन आ रहा है एक बार, और इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है एक बार, बट कंक्लूजन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंक्लूजन में आ रहा है ग्रेटर देन, बट हम जब स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं तो ग्रेटर देन एक बार आ रहा है और इक्वल टू एक बार आ रहा है, मीन्स ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा यहाँ पर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं थर्ड कंक्लूजन की तरफ। थर्ड कंक्लूजन में हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है b इज ग्रेटर देन इक्वल टू e, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। हमें क्या करना है, b से e तक का चेक करना है कि कौन कौन से साइंस आ रहे हैं और कितनी कितनी बार आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें ग्रेटर देन का साइन दिखाई दे रहा है और इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटर देन के साइन को चेक करेंगे और इक्वल टू के साइन को चेक करेंगे कि कितनी कितनी बार आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं b से e तक ग्रेटर देन का साइन आ रहा है थ्री टाइम्स, हमने क्या किया यहाँ पर लिख दिया थ्री। सिमिलरली इक्वल टू का साइन चेक करेंगे वन एंड टू।
यहाँ पर दो बार आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेटेज किसकी ज्यादा है, ग्रेटर देन की वेटेज ज्यादा है, बट कंक्लूजन में पूछा जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होगा, मीन्स ये वाला कंक्लूजन भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस किस टाइप के हमने क्या किया, स्टेटमेंट को कंबाइन किया और उसके बाद चेक किया कि कंक्लूजन सही है या नहीं। मीन्स हमें बेसिकली क्या करना था, साइंस की बस वेटेज चेक करनी है और इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। आप जब देखेंगे बैंकिंग के एग्जाम में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी के लिए रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।